मित्रों, मैं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत। लॉकडाउन के चलते बानखाना का मामला सामने आया है, जिसमें दो समुदाय के लोगों के बीच में हुई फायरिंग। बरेली उत्तर प्रदेश चल रहे लॉकडाउन में एक बार फिर से बानखाना सुर्खियों में आ गया, जहां दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ तमाम गलियां पत्थरों से भर गईं। बताते चलें कि दो माह पूर्व किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसी मुकदमे में समझौते के दबाव को लेकर सोनू अपने साथियों के साथ वहां बात करने पहुंचा था, जिसको लेकर आपसी विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते पथराव के साथ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने आरोपी सोनू को अपनी हिरासत में ले लिया है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मामला दो समुदाय के बीच में जुड़ा होने के कारण तत्काल रूप से थाना बरादरी, इज्जत नगर एवं प्रेम नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही कोतवाल में CO भी वहां पहुंचे। रात का माहौल देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई। आप भी जाओ दादा, और तुम लोग कौन सी चौकी? ठीक है, 11 सवा चौक, तुम यही रहोगे? ठीक है, 15 अठरा वाले ना, तुम सब लोग यही रहो। आप तो तुम भी यही रहोगे, ठीक है? तारीफ अपने घर में करेंगे, सड़क पर नहीं आएगा। सुबह में भी अपने घर ही रहेंगे।